हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू माय डियर? कैसे हो आप लोग? ज्वाइन फास्ट, ज्वाइन फास्ट। ओके बच्चे, तो जहां तक टॉपिक हो गया था उसके बाद की बात मैं करूं। आइए, आज मैं चलूंगा पैटर्न। पैटर्न होगा बस ये, क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा आपके पास। ए ले लिया हमने रूट अंडर टैन एक्स डी एक्स, इसी का बी लिखता हूं रूट अंडर कॉट एक्स डी एक्स। इसमें एक क्वेश्चन और लिया जाए, एक क्वेश्चन और लिया जाए, दोनों का एडिशन, दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो मैं इसका सी लिखता हूं रूट टैन एक्स प्लस रूट कॉट एक्स, दिस वन। ये हो गया आपके पास। अब देखो, तो ये क्वेश्चन बनाने का सबसे पहला मैं बनाता हूं कि आपका यार डिफरेंस भी ले सकते थे क्वेश्चन में, तो मैं यहां से बनाता हूं। इसमें डी भी ले लिया आपके लिए। चलिए, यहां लिया आपका रूट अंडर टैन एक्स माइनस रूट अंडर कॉट एक्स। सही है ना? सही बच्चे, आर यू गेटिंग ऑल? बिल्कुल सही है। आइए, सो योर थम्स अप साइन, सो योर थम्स अप साइन, थम्स अप साइन शो करते चलेंगे, पता चलता रहे कि आप लाइव सुन रहे हैं, लाइव देख रहे हैं। राइट बच्चे, तो देखो, तो मैं इसमें से सबसे पहला बनाऊंगा क्वेश्चन नंबर सी, है ना। सी और डी बनाऊंगा, उसके बाद बनाता हूं ए और बी। देखो क्या करोगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर सी की बात करेंगे तो सी में अपन लिखते क्या है, ये अपने पास हुआ रूट अंडर में टैन एक्स प्लस रूट कॉट एक्स डी एक्स। अब जब चेक करो क्या हुआ, ये हो गया रूट अंडर में साइन बाय कॉस। सही है ना? रूट में हो गया आपका साइन बाय कॉस, अब प्लस रूट कॉस बाय साइन। एस फोर साइन सी फोर कॉस सीखा बच्चे हमने। अब जब गौर से देखो तो ऊपर हो गया साइन स्क्वायर, एलसीएम लोगे साइन स्क्वायर, ऊपर अपने पास आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। डिनोमिनेटर में क्या आ गया, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये रूट में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपने लास्ट क्लास में बनाया था, प्रीवियस क्लास में, कल के क्लास में बनाया था वैसा क्वेश्चन। आइए इसमें मैं क्या करता हूं भाई, इसमें कुछ ठीक ठाक करता हूं इसको। यहां मैं लिखना चाहता हूं ऐसे, ये हो गया आपका साइन टू एक्स दिस वन, तो यहां से क्या हो गया टू मल्टीप्लाई करूंगा, अंदर टू यहां करूंगा तो टू ऊपर आ गया, रूट टू यहां आ गया बच्चे, तो बाहर अपने पास आ गया रूट टू ऑफ दिस वन, ये हो गया आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब कुछ नहीं करने का, इसमें वन ऐड करेंगे, वन सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसमें मैं वन ऐड करता हूं, तो यहां पे वन ऐड करूं, अच्छा वन ऐड किया, वन सब्ट्रैक्ट किया। अब जब देखिए तो इसमें से क्या बनेगा, रूट टू ऊपर मुझे चाहिए क्या, न्यूमरेटर में चाहिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स चाहिए, तो नीचे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है बच्चे, तो मुझे यहां ठीक करना होगा। इसको हटा दो पहले आप, इसे हटा दो आप, यहां लिख दोगे वन माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर। चेक करो क्या हुआ, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वन हो गया बच्चे, वन वन कैंसिल, और माइनस माइनस प्लस हो गया टू साइन साइन टू एक्स हो गया। सही है ना? ये हो गया अपने पास साइन टू एक्स हो गया बच्चे। अब देखो क्या करना, ऊपर इसका डीसी आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिस वन डी एक्स। देखो तो जरा सा गौर से इस क्वेश्चन में क्या हुआ बच्चे, इस क्वेश्चन में क्या हुआ, क्या इसका डीसी ऊपर है क्या, साइन का हो गया कॉस, माइनस कॉस का हो गया साइन। बिल्कुल सही है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो कुछ नहीं करने का, रूट अंडर दिस डी एक्स अपॉन रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स एक्स, तो ये अपने पास हो गया डी एक्स में, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स, एक्स के प्लेस पे हो गया आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट के, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। तो ये अपने पास जैसे हमने बनाया आपका सी वैसे बनेगा डी, डी भी उसी तरह बना लेंगे। डी को भी मैं ब्रेक कर देता हूं, डी को थोड़ा सा ब्रेक करता हूं बच्चे, आप देखोगे डी के लिए क्या हो गया अपने पास, डी को जब ब्रेक करोगे ऐसे ही बीच में माइनस आएगा, तो ऊपर अपने पास क्या आ गया साइन माइनस कॉस, ऊपर हो गया आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स साइन टू एक्स लिख सकते अपॉन में दिस वन, और बाहर अपने पास आ गया रूट टू, ये दिस वन। अब यहां कुछ नहीं करने का, ये अपने पास हो गया रूट टू,
ये अपने पास आ गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। इसकी बात करोगे देखो क्या अपने पास आया, डिनोमिनेटर में अपने पास आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर माइनस वन। सही है ना, साइन का डीसी हो गया कॉस, कॉस हो गया माइनस साइन, माइनस माइनस बाहर निकालना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, तो ये हो गया आपका, देखो तो वन वन कैंसिल, बिल्कुल सही। तो ये हो गया आपके पास रूट टू, ये हो गया आपका डी एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या होता है लॉग में होता है। तो ये हो जाएगा लॉग, माइनस बाहर निकाल लीजिए, पहले माइनस बाहर निकाल लीजिए इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको डीसी चाहिए, यहाँ पे चाहिए माइनस चाहिए, ठीक है ना। माइनस यहाँ लगा दीजिए, माइनस यहाँ लगा दीजिए दिस वन। अब ये हो गया हमारे पास लॉग में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन टू एक्स। क्यों भाई, ये टोटल उठ के यहां पे आएगा, ये टोटल उठ के यहां पे आएगा, तो वन वन कैंसिल हो गया, फिर से हो गया साइन टू एक्स। सही है, ये एक तरीका हो गया इसका बनाने का। अब देखता हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले दूसरे को ऐड करोगे, पहले दूसरे को डी सी और डी को ऐड करोगे। देखो तो जरा एक काम करना, सी और डी को ऐड करोगे तो ये साफ हो गया, तो यहां से हो गया रूट टेन एक्स आ जाएगा। एक मेथड ये आपके पास आ गया। अब चलता हूं मैं डिफरेंट मेथड से, कि नहीं ऐसे नहीं चलना, मुझे चलना है रूट टेन एक्स को बनाना है। आइए रूट टेन एक्स क्वेश्चन नंबर दिस, ए में आपके पास क्या था रूट अंडर टेन एक्स, ठीक है ना। देखिए क्या करेंगे, रूट टेन एक्स डी एक्स, इस पैटर्न को जानेंगे, इस पैटर्न पे क्वेश्चन खूब आते हैं, इसे बना लिया तो एक साथ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आऊंगा, 8-10 क्वेश्चन एक तरह का बना सकते हैं इससे, ठीक है ना। इस तरह से मिलता जुलता इस पे जो है 8-10 क्वेश्चन बना सकते हैं बच्चे। अब देखिए इसमें क्या करेंगे आप, अब यहां से लिखोगे पुटिंग टेन एक्स को मान लिया आपने टी स्क्वायर, टेन एक्स को क्या मान लिया अपन ने वाई स्क्वायर मान लो वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये हो गया आपका टू वाई डी वाई। सही है ना, अब यहां से क्या हो गया रूट टेन एक्स है, ये अपने पास आ गया वाई, और डी एक्स का हो गया आपका टू वाई, तो टू हो गया वाई स्क्वायर डी वाई दिस अपॉन सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर हो गया वन प्लस टेन स्क्वायर, वन प्लस वाई फोर। ये एक नया पैटर्न आ गया। अब इस पैटर्न को क्या करना, खुल के इसको दो ठीक करना, वाई स्क्वायर प्लस वन एंड वाई स्क्वायर माइनस वन, वाई टू दी पावर फोर प्लस वन, ये हो गया अपने पास डी वाई। अब यहां ठीक करोगे इसको कैसे, ये अपने पास हो गया वाई स्क्वायर प्लस वन वाई फोर प्लस वन डी वाई, एक क्वेश्चन पैटर्न खुद हो गया ये। नेक्स्ट वाई स्क्वायर माइनस वन वाई फोर प्लस वन डी वाई, अब इससे आगे बढ़ाते जाएंगे आप, इससे वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो ये हो गया वन प्लस वाई स्क्वायर, वन प्लस वन बाई वाई स्क्वायर डी वाई, ये हो गया आपका वाई स्क्वायर प्लस वन बाई वाई स्क्वायर, राइट। यहां भी हो गया आपका वन माइनस वन बाई वाई स्क्वायर डी वाई, ये बना आपका वाई स्क्वायर प्लस वन बाई वाई स्क्वायर। अब यहां ठीक करोगे, इसको काटोगे, इसे कैंसिल करोगे, तो इसको काट के मैं लिखता क्या हूं, इसे काट के लिखता हूं बच्चे, देखो क्या इसका डीसी फॉर्म में वाई माइनस वन बाई वाई होल स्क्वायर प्लस टू लिख सकते हैं क्या, वाई स्क्वायर वन बाई वाई स्क्वायर माइनस टू प्लस टू कैंसिल, और इसका डीसी ऊपर आ गया, इसका डीसी ऊपर आ गया, इसका डीसी ऊपर में अपने पास आ गया वाई का वन वन बाई वन अपॉन वाई का होता है माइनस वन बाई वाई स्क्वायर, बिल्कुल सही है। तो यहां भी ठीक करता हूं मैं, यहां माइनस में है तो यहां प्लस करना पड़ेगा, यहां प्लस करना पड़ेगा, तो यहां लिखता हूं मैं ऐसे, ये लिख दिया दिस होल स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर प्लस वन बाई वाई स्क्वायर प्लस टू माइनस टू, ठीक है आपके पास। अब देखो क्या किया आपने, अब यहां से इसकी बात करोगे दिस वन, अब यहां लिखो रूट टू, रूट टू का स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर
तो देखिए क्या हो गया, ये हो गया dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होता है, 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a। तो ये हो गया 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a, y स्क्वायर माइनस 1 रूट 2 ऑफ y, सही है ना। प्लस इसकी बात करोगे तो ये क्या हो गया 1 बाय 2 a, 1 बाय 2 रूट 2। इसका डीसी देखो तो इसका डीसी है ऊपर क्या, यही तो है डीसी इसका, वाई का वन दिस वन सही है। तो ये हो गया 1 बाई 2 ए, 1 बाई 2 रूट 2 एल एन वाई प्लस 1, वाई प्लस 1 बाय वाई माइनस रूट 2 वाई प्लस 1 बाय वाई प्लस रूट 2 प्लस कॉन्स्टेंट के, ये आपका आंसर हो गया, सही है सबका। ये पैटर्न था बच्चे, तो सिमिलरली कॉटेक्स को आप बना सकते हैं, जैसे tan x था वैसे ही कॉटेक्स आएगा, कहीं कोई चेंज नहीं करने का, ठीक है। आइए इस पैटर्न पे नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पैटर्न पे हमने एक साथ 8 क्वेश्चन यहाँ लिख दिया। देखो तो अभी हमने तुरंत बनाया था क्वेश्चन कौन सा, अभी हमने किया था ये क्वेश्चन, क्या था ये क्वेश्चन, क्या था, किया था ना अभी, सेम पैटर्न क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो अपन इसकी बात करेंगे तो इस दोनों को, इसको ऐड करोगे सॉरी इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा, ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, तो ऑलमोस्ट ये 1 2 3 4 चारों क्वेश्चन सेम है। फिर भी मैं बनाता हूँ इसमें से कौन सा, मैं एक बनाता हूं फिर से आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 क्या करता है बच्चे, क्वेश्चन 1 में क्या करना है, x टू द पावर 4 प्लस 1 है, यहां लिखा x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 1 राइट ना, x स्क्वायर कैंसिल 1 1 2, तो ये हो गया 1 बाय 2 फालतू में, एंड dx कुछ नहीं करने का। अब यहां देखो क्या करना, 1 बाय 2 ऑफ ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 4 प्लस 1 dx माइनस 1 बाय 2 ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 x 4 प्लस 1 dx। अब इसे ठीक करोगे तो ये हो गया 1 बाय 2 ऑफ, अभी तुरंत बनाया था, इसे लिखोगे आप, इसे ठीक करोगे आप, ये अपने पास हो गया x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर, ऊपर अपने पास हुआ आपका 1 प्लस 1 बाय x स्क्वायर dx राइट। अब यहां से इसकी बात करोगे ये क्या आ गया अपने पास, ये आ गया 1 बाय 2 ऑफ, ये हो गया आपका 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब इसको सेट करना है, बस इसका डीसी सेट करना है। अब आपने लिखा क्या 1 बाय 2 ऑफ है ना, 1 बाय 2 ऑफ इसे लिखता हूं एक्स माइनस 1 बाय एक्स होल स्क्वायर प्लस रूट 2 स्क्वायर। चेक करो तो क्या हो गया, एक्स प्लस एक्स माइनस 1 बाय एक्स का डीसी ऊपर आ गया, क्या ऊपर आ गया डीसी ऑफ एक्स माइनस 1 बाई एक्स, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या है अपने पास, नेक्स्ट अपने पास है माइनस में 1 बाय 2 ऑफ, ये हो गया आपका एक्स प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर माइनस रूट 2 होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल। तो ये अपने पास आ गया डीसी ऑफ दिस वन। अब यहां कुछ नहीं करने का, अब यहां देखिए क्या करेंगे आप, ये हो गया आपका 1 बाय ए, ये वाला आपका dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कॉन्सेप्ट आ गया। तो क्या करते हैं 1 बाय ए, 1 बाय रूट 2 tan इनवर्स x बाय a, तो हो गया x स्क्वायर माइनस 1 बाय रूट 2 ऑफ x माइनस 1 बाय 2 इनटू इसका होता है 1 बाय 2 a, तो 1 बाय 2 रूट 2 ln x प्लस 1 बाय x माइनस रूट 2 एंड x प्लस 1 बाय x प्लस रूट 2 प्लस कॉन्स्टेंट के। ये आपका जो कॉन्सेप्ट अगर आपका सही है, जैसे आप रूट tan x बना लिया तो सारे क्वेश्चन आपके एक तरह के बन गए, सही है ना। अब मैं देखता हूँ इसी पैटर्न में से आप बाकी बनाएंगे आप, इसमें हमने फर्स्ट बनाया था थर्ड फोर भी बन गया, मैं बनाता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 5, आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखता हूँ, क्वेश्चन 5 में क्या करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 सारा पैटर्न एक ही क्वेश्चन है, सारा का सारा एक पैटर्न है बच्चे। तो मैं लिखता हूँ 5 में क्या करने का, आइए 5 में dx अपॉन x4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1, ये सेम क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट है, सेम क्वेश्चन है। देखिए क्या करना, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 1 1 बाय 2 दिस वन x टू द पावर 4 x स्क्वायर प्लस 1। अब ये हो गया 1 बाय 2 ऑफ, इसको ठीक करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स
एक्स टू द पावर फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन बाय टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स टू द पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन नेक्स्ट वन बाय टू इंटू अब इसको ठीक करोगे ये अपने पास हो गया वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स एक्स स्क्वायर वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन बाय टू ऑफ वन माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स एक्स स्क्वायर वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन अब चेक करो क्या हुआ अब देखिए क्या बना बच्चे वन बाय टू ऑफ ऊपर आपका चाहिए तो इसको लिखना पड़ेगा एक्स माइनस वन बाई एक्स इसका डी सी ऊपर आ गया बच्चे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस थ्री सही है ना प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू हो रहा है माइनस टू प्लस थ्री प्लस वन सही है तो ये हो गया आपका रूट थ्री का स्क्वायर ऊपर लिख दोगे आप एक्स माइनस वन बाई एक्स सही है ना एक्स माइनस वन बाई एक्स एक्स का हो गया वन दिस वन माइनस इसकी बात करोगे तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वन बाई एक्स होल स्क्वायर माइनस टू माइनस वन एक्स स्क्वायर वन बाई एक्स स्क्वायर और प्लस टू हो रहा था प्लस टू माइनस वन वन हो गया बच्चे बिल्कुल सही है ऊपर इसका डीसी आ गया x प्लस वन बाई एक्स डीसी आ गया सेट कर गया आपके पास कुछ नहीं करने का अब इसका आंसर हो गया वन बाई टू ऑफ अब सिंपल सा कंसेप्ट आ गया डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है ये वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए तो ये हो गया वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय रूट थ्री ऑफ एक्स दिस वन ये हो गया आपका वन बाय टू इंटू वन बाय टू ए एल एन एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट के ये आपका आंसर हो गया सही है तो देखिए तो इसी पैटर्न पे क्वेश्चन था आपके पास क्वेश्चन नंबर सेम आपके पास हमने फाइव बनाया सिक्स सेवन सेम है देखो जरा से गौर से देखोगे मैं आपको दिखाता हूँ सिक्स सेवन में कहाँ है यहाँ से देखिए इसको सिक्स सेवन हमने कहाँ किया है गौर से देखिएगा सिक्स सेवन कहाँ है अब देखिएगा ये हो गया सेवन ये हो गया एट ये हो गया सेवन ये बन गया एट चेक करो है कि नहीं तो ये हो गया सॉरी सिक्स और सेवन ये दोनों हो गया सिक्स और सेवन हो गया सही है ना यहाँ से प्रोसीड करेंगे तो सिक्स के लिए ये है ये पार्ट सिक्स है ये जो पार्ट है वो सेवन है ऐसे है नेक्स्ट क्वेश्चन चलोगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एट नंबर देखोगे एट नंबर अपने पास क्या है बच्चे एट नंबर अपने पास है एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स एक्स फोर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन कुछ नहीं करना उसी पैटर्न का पार्ट है ये उसी पैटर्न का ये पार्ट है अब देखो क्या करना ये हो जाएगा वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स क्योंकि आपने एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड किया है तो जैसे ही डिवाइड करोगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इसका हो जाएगा वन बाई एक्स स्क्वायर एंड प्लस थ्री इसे ठीक करता हूँ इसे ठीक करता हूँ और देखो तो क्या लिखता हूं मैं वन बाई एक्स का होल स्क्वायर ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू हो रहा है तो ये हो गया आपका प्लस फाइव सही है ना तो प्लस फाइव का मतलब हो गया रूट फाइव का स्क्वायर इसी का डीसी ऊपर आ गया ये इसका डीसी आ गया बच्चे इसका डीसी आ गया ये आपका डीसी आ गया एक्स माइनस वन बाई एक्स अब देखिए क्या बना डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन गया तो ये क्या बना बच्चे ये हो गया आपका वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन रूट अंडर फाइव ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट के ये आपका आंसर हो गया सही है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने पैटर्न चेंज या उसी पैटर्न का अगला पार्ट उसी पैटर्न पे नेक्स्ट क्वेश्चन फिर सेम रह गया बच्चे अब यहाँ उसी को फिर ठीक करते हैं अपन अब देखो यहाँ क्या करूँगा मैं ये लिखूंगा वन बाय टू यहां लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन ठीक है ना ये लिखा
एक्स फोर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, इसके बाद का काम आप कर लेंगे। इसके बाद का काम हमने क्या किया था पहले क्वेश्चन में, इसके बाद का काम क्या किया, दिस अपॉन दिस एक पार्ट, दिस अपॉन दिस दो पार्ट। तो इसको फिर से ब्रेक करेंगे आप, खोलेंगे आप, तो वैसे ही आपको पहले वाला दो क्वेश्चन मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, एक्स टू द पावर फोर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन, एंड अगेन वन बाय टू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स, एक्स टू द पावर फोर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसके बाद आप प्रोसीड कर सकते हैं, इसके बाद आप बना सकते हैं, सही है ना। अभी तुरंत हमने किया था क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन किया था बच्चे, अभी आपको सेम क्वेश्चन हमने किया है, दिखाता हूँ मैंने, अभी जो हमने सेम क्वेश्चन किया है देखिए गौर से, एक क्वेश्चन तो है यहाँ पे, एक क्वेश्चन है ना, ये सेम क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने किया है, क्वेश्चन नंबर एट। अब इसी को बनाया जाए कि नहीं, क्वेश्चन ये अपने को चाहिए क्या, सेम है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स फोर थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन, सही है, तो इसे बना लेंगे आप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद आप खुद कर लेंगे, इसके बाद खुद कर लेंगे। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर टेन, ये आपके स्क्रीन पे। अब आइए पैटर्न चेंज किया हमने, पैटर्न वही चल रहा है, बट ये पैटर्न थोड़ा सा टफ होता जा रहा है, राइट ना। अब मैं इस पैटर्न की बात करूं तो मैं यहां से मुझे इसको लिखता हूं, मैं क्वेश्चन नंबर टेन, एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन रूट अंडर एक्स फोर प्लस वन। आपका मोटिव है प्रीवियस पैटर्न जैसा इस पे काम करने का, आपका मोटिव है यहां से निकालो एक्स, एक्स निकालोगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन बाई एक्स, यहां से एक्स फोर बाहर निकालोगे या एक्स स्क्वायर बाहर निकालोगे तो ये अपने पास क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो यहाँ बाहर हो गया एक्स स्क्वायर। इसे ठीक करोगे एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स, अब देखिए क्या बना, ऊपर आ गया, इसको ले जाओ ऊपर में, इसको ठीक डिवाइड करोगे तो वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, दिस अपॉन एक्स प्लस वन बाई एक्स, राइट, और यह अपने पास आ गया एक्स प्लस वन बाई एक्स होल स्क्वायर माइनस टू, चेक करें आप, सही है ना। अब जरा गौर से देखो ऊपर क्या हुआ, अपने पास ऊपर हो गया इसका डीसी, एक्स का हो गया वन, वन अपॉन एक्स हो गया माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको ठीक करो बच्चे, इसको ठीक करो, इसे काट के लिख दो आप डीसी ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स। अब जानते हो पैटर्न क्या हो गया, अब सिंपल क्या हो गया, डी एक्स अपॉन एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या होता है वन बाई ए, एक इनवर्स एक्स बाई ए, इसका वैल्यू हो गया अपने पास वन बाई ए, वन बाई ए का मतलब हो गया यहाँ पे टू है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा रूट टू का स्क्वायर, तो वन बाय ए तो वन बाय रूट टू सेक इनवर्स एक्स प्लस वन बाई एक्स अपॉन रूट टू प्लस कॉन्स्टेंट के, ये इसका आंसर हो गया, सही है। क्वेश्चन नंबर टेन, क्वेश्चन इलेवन भी सेम क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन चारों सेम क्वेश्चन है, आप बनाइए क्वेश्चन इलेवन, देखो तो कैसे बनता है आपसे, बनेगा मैं देखता हूँ आपके ग्यारह नंबर, मैं देखता हूँ ग्यारह नंबर में क्या करने का, यहाँ से एक्स पावर फोर एक्स स्क्वायर बाहर निकाल लो, एक यहाँ से निकालोगे तो एक्स यहाँ बाहर आएगा, तो ये हो गया एक्स माइनस वन बाई एक्स, एक एक्स यहाँ से बाहर निकालेंगे तो ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सही है। नुमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स है बच्चे, अब इसको ठीक करो, इसको हटाओ ले जाओ ऊपर में, तो वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, राइट अपॉन, अब क्या हो गया एक्स माइनस वन वाई एक्स रूट अंडर में एक्स माइनस वन वाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू, सही है क्या, बिल्कुल सही है। ऊपर क्या हो गया, इसका डीसी हो गया, देखो तो ये इसका डीसी हो गया, ये हो गया डीसी ऑफ एक्स माइनस वन वाई एक्स हो गया, ये एक्स का हो गया वन, अब माइनस वन बाई एक्स का हो गया माइनस वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सही है। अब देखते हो क्या हो गया, डी एक्स अपॉन एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। अब तो आपको मानना पड़ेगा, अब यहाँ पे डायरेक्ट नहीं हो रहा, अब इसे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा बच्चे। अब मैं यहां से काम करता हूं, यहां लिखता हूं पुटिंग एक्स माइनस वन वाई एक्स होल स्क्वायर प्लस टू, ये बन गया आपका वाई स्क्वायर, ये हो गया टू इंटू एक्स माइनस वन वाई एक्स एंड डी सी ऑफ एक्स माइनस वन वाई एक्स, ये हो गया आपका टू वाई डी वाई, सही है ना।
अब यहां ठीक करेंगे आप, यहां से ठीक करेंगे आप, इसकी बात करोगे तो एक अपनी मर्जी से यहां मल्टीप्लाई कर दो, एक अपनी मर्जी से इसको मल्टीप्लाई कर दो बच्चे, क्या मल्टीप्लाई करना है ये चाहिए, तो ये अपने पास आ गया एक्स माइनस वन बाई एक्स, तो ये अपने पास हो गया होल स्क्वायर। अब देखो तो इसका वैल्यू क्या हो गया, इसका वैल्यू अपने पास हो गया टू टू हट जाएगा, टू टू हट जाएगा ना, बिल्कुल सही है, ऊपर हो गया आपका वाई डी वाई, इसकी बात कर रहे थे इसको खोल रहे थे बच्चे, इसका हो गया वाई स्क्वायर है, तो भी हो गया वाई, अब इसकी बात करोगे ये अपने पास हो गया वाई स्क्वायर माइनस टू, सही है ना, वाई वाई कैंसिल, अब सिंपल सा आंसर हो गया इसका, सिंपल सा आंसर हो गया बच्चे, रूट टू को हटा दो यहां से, लिखोगे आप रूट टू का स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर, अब क्या हो गया वन बाय टू ए टू रूट टू एल एन वाई माइनस रूट टू एंड वाई प्लस रूट टू दिस वन, ये आंसर हो गया, वेयर वाई का वैल्यू रख दीजिए आप, वेयर वेयर वाई इक्वल टू हो गया कितना, वाई स्क्वायर हो गया एक्स माइनस वन बाई एक्स होल स्क्वायर प्लस टू, ये आंसर हो गया, सही है। इसी पैटर्न पे आपका क्वेश्चन नंबर चलता हूं मैं 12 नंबर, तो देखो तो सेम क्वेश्चन, हाँ सेम क्वेश्चन है, जो ऐसा 10 था वैसे 11 है, तो मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 12, 12 और 13, क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे, ये रहा आपके सामने, देखिए क्या करना, एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, कुछ नहीं करने का, अब इसे देखिए क्या करेंगे, अब इसे ठीक करोगे तो ये अपने पास एक्स स्क्वायर, यहां से निकाल लो एक, एक यहां निकाल लोगे बच्चे तो क्या हो गया पे एक्स प्लस वन बाई एक्स, बिल्कुल सही है, ये अपने पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर एक शेप में खा गया, सही है ना। अब जा देखो क्या करना, इसका डीसी आ गया बच्चे, अब इसके पास क्या हो गया, ये अपने पास आ गया एक्स प्लस वन बाई एक्स, ऊपर लिख दोगे एक्स प्लस वन बाई एक्स का डीसी है, ये अपने पास हो गया एक्स प्लस वन बाई एक्स होल स्क्वायर, और ये हो गया अपने पास माइनस वन, सही है क्या, चेक करो तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू अब माइनस वन, वन हो गया, बिल्कुल सही है। अब देखो बच्चे क्या हो गया, ये बन गया डी एक्स अपॉन, क्या बना आपका, जरा लॉजिक देखोगे, डी एक्स अपॉन ये डी एक्स है, डी एक्स अपॉन एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ये क्या होता है, ये होता है आपका सेक इनवर्स एक्स, ये हो गया आपका सेक इनवर्स एक्स प्लस वन वाई एक्स प्लस कॉन्स्टेंट के, ये आपका आंसर हो गया, सही है ना। इसी पैटर्न पे क्वेश्चन एक और है, क्वेश्चन नंबर 13 देखता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 13 इसी पैटर्न पे, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 क्या अपने पास है, एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स, एक्स इंटू एक्स टू द पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, सही है। अब इसे क्या करना, इसे खोलेंगे आप, यहां से एक्स स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा एक्स इंटू, ठीक है ना, यहां से एक्स स्क्वायर बाहर निकालना चाहोगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहाँ कट करेंगे तो ये बन जाएगा वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखो तो कुछ बना क्या, कुछ बना क्या यहाँ, अब देखिए क्या बना, ये बन गया अपने पास एक्स प्लस वन बाई एक्स होल स्क्वायर और माइनस वन, ऊपर क्या हुआ बच्चे, ऊपर अपने पास हो गया डीसी ऑफ एक्स प्लस वन वाई एक्स, सही है ना, तो डी एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया, ये होता है लॉग, ये होता है लॉग एक्स प्लस एक्स के प्लेस पे हो गया दिस वन प्लस रूट अंडर एजिटी जो था आपके पास वो रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, सही है ना, इसको ब्रेक करेंगे तो फिर वही आएगा आपके पास प्लस कॉन्स्टेंट के, ये आपका आंसर हो गया राइट। तो ये आपके पास अच्छे कलेक्शन थे, धीरे धीरे मैंने कहा था लेवल अप होता जाएगा, लेवल अप होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये रहा आपके सामने उसी क्वेश्चन का आगे का पैटर्न, ये क्वेश्चन 14 एंड 15। देखिए क्वेश्चन 14 में क्या करने का,
क्वेश्चन 14 में अपन क्या करेंगे देखिए, तो इसको लिखता हूं मैं, अपन 14 देख रहे हैं बच्चे, अपन लोग क्या करेंगे, cos x को मान लिया z या y मान लिया, तो माइनस में sin x dx, ये हो गया आपका dy, सही है ना। तो i का वैल्यू यहां से, i का वैल्यू साइन क्यूब है, इसको लिख सकते हैं ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, तो साइन एक्स डी एक्स दिया हुआ है, माइनस में हो गया आपका डी वाई, तो ये हो गया आपका 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, इसको लिख सकते हो आप हटा करके वाई स्क्वायर माइनस वन, इसको लिख दो आप वाई स्क्वायर माइनस वन, अच्छा रहेगा दिस वन, वन प्लस वाई स्क्वायर, वन प्लस वाई स्क्वायर रूट अंडर वाई फोर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन। अब चेक करें सेम क्वेश्चन आ गया कि नहीं, आ गया ना प्रीवियस क्वेश्चन, तो सेम पैटर्न क्वेश्चन हो गया बच्चे, तो सेम पैटर्न क्वेश्चन हो गया, तो इसको आप बना लेंगे, एक स्टेप फिर भी बढ़ा देता हूं मैं, एक स्टेप फिर भी बढ़ाता हूं मैं, यहां अपने पास आ गया वाई प्लस वन बाय वाई, वाई स्क्वायर वन बाय वाई स्क्वायर प्लस वन, ऊपर आपका हो गया डी सी ऑफ वाई, ऊपर क्या हो गया बच्चे, ऊपर आपके पास हो गया कितना वन माइनस वन बाय वाई स्क्वायर डी वाई, और ये प्रीवियसली सेम क्वेश्चन आपने बना रखा है, आपने सेम क्वेश्चन बना रखा है डी सी ऑफ वाई प्लस वन अपॉन वाई दिस वन, वाई प्लस वन अपॉन वाई रूट अंडर वाई प्लस वन वाई वाई होल स्क्वायर माइनस वन, सही है प्लस टू, हाँ बिल्कुल सही है। अब देख तो अच्छे सेम अभी पैटर्न अभी क्वेश्चन आया था, तो ये सेक इनवर्स में आ गया, ये बन जाएगा सेक इनवर्स वाई प्लस वन वाई वाई प्लस कॉन्स्टेंट के, और वाई क्या वैल्यू अपने पास क्या है कॉस एक्स है, तो वाई क्या वैल्यू है कॉस एक्स, सेक इनवर्स कॉस एक्स प्लस sec x plus k, ये आपका पैटर्न में आंसर इसका आया, ये पैटर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 15, मैं चाहता हूँ पहले आप खुद करें, क्वेश्चन 15 में बनाइए बच्चे, क्या करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 15 बनाइए, क्या हो गया, देखो बनता है किसी से, क्वेश्चन नंबर 15 Who is doing fast? किसका बन रहा है पहले, इसे प्रयास करें आप, मैं करूं, आप देखो बच्चे क्या करने का, फिफ्टीन है आई इक्वल्स टू दिस, तो यहां लिखता हूं मैं आई का वैल्यू वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स एंड डी एक्स अपॉन, यहां से निकालना है आपको एक्स स्क्वायर, बाहर निकालोगे तो बाहर आपके पास आ गया एक्स आ गया, ये बचेगा एक्स, ये हो गया आपका वन वाई एक्स प्लस वन, ये अपने पास कंडीशन आया। अब कुछ नहीं करना है आपको, इसका डीसी सेट करना है बच्चे, अब आपको यहां पर इसका डीसी सेट करना है, अब यहां पर आपको डीसी सेट करना है इसका, कैसे करेंगे आप देखिएगा, इसका डीसी, चलिए देखो क्या अपने पास आया। अब मैं यहां एक काम करता हूं, यहां लिखता हूं पुटिंग एक्स प्लस वन वाई एक्स प्लस वन को मान लिया वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर अच्छे थी, क्या हो गया ये, इसको ठीक करोगे तो ये हो गया आपका वन माइनस वन वाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हो गया आपका टू वाई डी वाई, बिल्कुल सही है ना। अब यहां से सेट करना है मुझे वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स, वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स, तो आइए इसको कैसे हटाएंगे आप, यहां से कैसे हटाएंगे आप, तो यहां से लिखता हूं मैं, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स दिस वन। अब यहां ठीक करोगे आप, यहां पे इसको ठीक करोगे पहले,
इसको ठीक करेंगे क्या, अपन चाहिए x माइनस बाहर निकाल लिया तो x माइनस वन अपॉन x प्लस वन है बच्चा, इसको प्लस से स्क्वायर किया स्क्वायर हो गया, स्क्वायर दिस वन हो गया बच्चे, एंड dx अपॉन x इंटू रूट अंडर x प्लस वन वाई एक्स प्लस वन, ये हो गया सही है ना। अब वहां से वैल्यू दे दीजिए, अब उसका वैल्यू दीजिए, यहाँ पे x स्क्वायर चाहिए तो यहाँ स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ पे एक आ जाएगा एक, ठीक है ना। तो ये जो पार्ट हमारे पास है, ये जो पार्ट हमारे पास है इसका वैल्यू अपने पास आ गया, तो ये हो गया अपने पास कितना, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स का वैल्यू टू बाई डी वाई, तो ये हो गया आपका टू बाई एक्स डी वाई, टू बाई डी वाई यहाँ एक्स बचेगा आप बिल्कुल सही है, अपॉन ये बनेगा अपने पास एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, इसकी बात करोगे तो ये अपने पास हो गया वाई, वाई वाई कैंसिल। अब जो बच रहा हमारे पास देखो क्या बच रहा है, अब जो बच रहा अपने पास माइनस में दिस ऑफ डी वाई अपॉन नीचे हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है नीचे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन बाई एक्स, ये अपने पास आ गया डी वाई एक्स प्लस वन वाई एक्स प्लस टू, सही है क्या, चेक करो सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है। अब आपने रखा किसका वैल्यू है, एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई एक्स प्लस वन, अब देखो यहां से इसका वैल्यू दे दिया वाई स्क्वायर, इसका वैल्यू है वाई स्क्वायर, यहां से इसको ठीक करोगे ये पार्ट अपने पास हो गया माइनस टू एंड डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वन, ये टू को कर दिया वन प्लस वन, अब यहां से हो गया अपने पास टैन इनवर्स माइनस में टू टैन इनवर्स वाई प्लस कॉन्स्टेंट के, अब वाई का वैल्यू दे दीजिएगा, वाई का वैल्यू दे दीजिएगा, ये बराबर हो गया माइनस टू टैन इनवर्स वाई, कितना है वाई अपने पास है रूट अंडर एक्स प्लस वन वाई एक्स प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट के, ये आंसर हो गए सही है। आया मजा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्वेश्चन सही था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, उसी क्वेश्चन का ये भाई है, सेम है आपके पास, सेम पैटर्न चल रहा अभी, उसी क्वेश्चन का ये आपका कजन है समझो, ऐसे मान लो बिल्कुल सिंपल है बच्चे, साइन एक्स को पहले ले लो आप, तो पुटिंग साइन एक्स को आपने वाई मान लिया तो ये हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स, ये हो गया आपका डी वाई, कुछ नहीं करना, ये हो गया कॉस एक्स डी एक्स हो गया, इसको लिख दो वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स एंड डी एक्स दिस वन, तो ये क्या हो गया वन माइनस वाई स्क्वायर एंड डी वाई, सही है ना, अपने पास आ गया वाई इंटू रूट अंडर वाई फोर माइनस टू वाई क्यूब प्लस टू वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस वन, ये क्वेश्चन बना। अब इसको ठीक करेंगे, अब जब देखो क्या बना, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो गया ये तो, अब इसको अंदर से ठीक करेंगे, वाई स्क्वायर कॉमन निकालेंगे बच्चे, देखो तो इसका नेचर एक साथ, इसका नेचर एक साथ, इसको बोलते हम लोग हैं पैलिंड्रोम नंबर, जस्ट लाइक मिरर इमेज है, इस टू के साथ मिरर इमेज है बच्चे, टू के साथ मिरर इमेज है, तो पैलिंड्रोम नंबर फॉर्म में हो गया ये। अब कुछ नहीं करना, अपन वाई स्क्वायर बाहर निकालना चाहते हैं तो हो गया वाई स्क्वायर बाहर आ गया, वाई स्क्वायर हो गया तो ये बनेगा आपका वाई स्क्वायर, इसका लिख दोगे वन अपॉन वाई स्क्वायर बिल्कुल सही है, माइनस माइनस टू कॉमन वाई स्क्वायर किया तो ये हो गया वाई, ये हो गया वन बाई वाई, अब प्लस टू दिस वन ये बनेगा, अब इस न्यूमरेटर से अब यहाँ ठीक करोगे ऊपर क्या हो गया, ऊपर अपने पास हो गया वाई स्क्वायर माइनस वन डी वाई बाहर माइनस में, अब इसको देखो इसका डीसी सेट हो गया लगता है, अब इसका डीसी सेट हो गया बच्चे माइनस में, ठीक है ना, तो ये अपने पास हो गया वन माइनस वन वाई स्क्वायर डी वाई, ये बन गया अपने पास वाई प्लस वन वाई वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, तो क्या हो गया अपने पास वाई प्लस वन वाई का होल स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर वन वाई स्क्वायर एंड प्लस टू माइनस टू इंटू वाई प्लस वन वाई वाई, अब प्लस हो गया हमारे पास प्लस टू या माइनस टू, प्लस टू हो रहा था तो माइनस टू, ये खत्म हो गया बच्चे, ये अरेंज खत्म हो गया है ना, यहां से ये पार्ट इसको ऐड कर दिया, इसको साथ ला दिया तो ये हो गया वाई प्लस वन वाई होल स्क्वायर माइनस दिस वन, अब यहाँ कुछ नहीं करना, अब इसका डीसी सेट हो गया ही, अब इसका डीसी सेट हो गया
माइनस में डी ऑफ वाई प्लस वन बाय वाई, और ये अपने पास आ गया वाई प्लस वन बाय वाई होल स्क्वायर माइनस टू इंटू वाई प्लस वन बाय वाई। अब आपको क्या करना, इसमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट कैसे लाओगे, अब डी सी दो दिख रहा है अपने पास। अब यहाँ पे अपन कंडीशन लेंगे, इसके लिए फिर से एक कंडीशन फिर से लेंगे आप, वाई प्लस वन बाय वाई बराबर टी मान लिया, तो ये हो गया आपका डी ऑफ वाई प्लस वन बाय वाई, ये अपने पास आ गया डी टी, माइनस में ऊपर अपने पास आ गया डी टी अपॉन, ये हो गया टी स्क्वायर माइनस टू टी, सही है ना, माइनस में डी टी अपॉन, ये अपने पास आ गया टी माइनस वन होल स्क्वायर माइनस वन, सही है बच्चे, बिल्कुल सही है। अब इसको ठीक कर दो आप, इसको ठीक कर दो आप, तो माइनस में क्या हो गया, ये हो गया लॉग टी माइनस वन प्लस रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस टू टी प्लस कॉन्स्टेंट के। अब टी क्या वैल्यू दोगे, टी क्या वैल्यू दोगे, तो लिख देना क्या, वेयर टी बराबर वाई प्लस वन बाय वाई, और वाई का वैल्यू हो गया कॉस एक्स, वाई का वैल्यू हो गया साइन एक्स, एंड वाई बराबर साइन एक्स, ये करना पड़ेगा आपको, सही है। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, लेंदी दिख रहा था बच्चे, इट वॉज जस्ट लुकिंग लाइक लेंदी क्वेश्चन, बट इट वॉज ए सिंपल क्वेश्चन, पैटर्न सही है तो क्वेश्चन में परेशानी नहीं आएगी। अब देखिए इस क्वेश्चन में शायद आपको लगे कि हाँ कुछ मजेदार क्वेश्चन चल रहा है, मैं देखता हूँ पहले 80 नंबर, या दोनों क्वेश्चन तो सेम ही है, दोनों नेचर सेम है बच्चे क्वेश्चन का, पहले देखता हूँ अपन 80 नंबर देखता हूँ मैं क्या है अपने पास, देखिएगा 18 देखता हूँ मैं क्या करना, इसको ठीक करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल क्यूब माइनस वन, यहां पे लगता है कुछ गलत है, ये क्वेश्चन में कुछ गलती है लगता है, सही है, ये तो रहेगा ही नहीं, ये हो गया बच्चे सही बिल्कुल। अब यहां देखो बच्चे क्या किया, ये अपने पास हो गया x dx, तो और यहां से दोनों में निकल जाएगा, ये आपके पास आ गया बाहर में वन प्लस एक्स स्क्वायर रूट अंडर वन प्लस रूट अंडर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये बचेगा, गुड, ये क्वेश्चन हुआ। अब कुछ नहीं करने का, अब यहां लिखता हूं मैं पुटिंग वन प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वन, इससे अपन ने क्या मान लिया, अपन ने इसे मान लिया वाई, वाई मान ले तो इसका काम भी हो जाएगा, चलो वाई मान लेते हैं, या वाई स्क्वायर भी मानना चाहे तो मान सकते, वाई स्क्वायर मान लो, तो ये हो गया बच्चे टू एक्स अपॉन वन, रूट एक्स का होता वन बाय टू रूट एक्स, वन बाय टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वन, दिस वन डी एक्स टू वाई डी वाई, सही है, इसका टू टू गया। अब देखो तो ये अपने पास सेटल हो गया, ये डायरेक्ट वैल्यू आ गया एक्स अपॉन दिस आ गया बच्चे, ये अपने पास आ गया ऊपर में आ गया टू वाई डी वाई, इसकी बात करोगे तो ये अपने वाई स्क्वायर माना था, तो सिंपल हो गया वाई, तो सीधे आंसर आ गया यार, तो सीधे ही आंसर आ गया, ऐसा हो सकता था क्या, बह ऐसा हो गया तो अच्छी बात है, तो ये हो गया आपका टू वाई प्लस कॉन्स्टेंट के टू इंटू वाई, वाई कितना हो गया रूट अंडर वन प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट के, ये आपका आंसर हो गया। कभी कभी कोई क्वेश्चन आपका दिखता लेंदी है, बट फाइनली आप देखोगे तोड़ोगे साहस करोगे तो आसान दिखेगा। अब देखता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 17, देखिए क्वेश्चन 17 में क्या करना है, 17 में भी सेम लगता है वही पैटर्न है, एक्स स्क्वायर डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन वन प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन,
ये कंडीशन है तो सबसे पहले काम करता हूँ, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, इसका कंजुगेट लाओ अच्छे ऊपर में, इसका कंजुगेट लाओगे तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, डिनोमिनेटर में क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वन, अब माइनस में वन माइनस वन, ये कैंसिल, एक्स स्क्वायर भी कैंसिल, ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। अब देखिए क्या बना, अब कितना सिंपल बन गया बच्चे, ये बन जाएगा डी एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये हो गया बच्चे एल एन एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट के, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन पे, ये रहा आपके सामने एक शानदार जानदार क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन तड़कता भड़कता दिख रहा है बच्चे, बट इसमें कुछ है नहीं, मैं चाहता हूँ पहले आप खुद करें, पहले आप खुद करें, इसमें क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मेहनत करना, मेहनत क्या करूँगा, यहाँ पे साइन एक्स से मल्टीप्लाई कराऊंगा साइन एक्स बाय टू से, तो यहाँ भी साइन एक्स बाय टू आ जाएगा ना, तो इसको देखो बच्चे मैं लगता हूँ, इसको लिखता हूँ फिर से, इसे लिखता हूँ मैं फिर से, यहां लिखता हूं मैं क्या, यहां लिखना है मुझे साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू एंड टू, बाहर यहां भी टू आ गया, ऊपर हो गया साइन फोर एक्स बाय टू डी एक्स और रूट अंडर में एज इट इज जैसे था कॉस क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स, ये बन जाएगा साइन एक्स, ये बन जाएगा अपने पास साइन एक्स। अब इसको देखो क्या करना, साइन टू द पावर फोर को ब्रेक करना है बच्चे, तो साइन टू द पावर फोर को खोलिए क्या करेंगे, अब यहां से मैं लिखता हूं साइन टू द पावर फोर के लिए, यहां से साइन क्यू एक्स था, नीचे अपने पास आ गया साइन एक्स, नीचे अपने पास हो गया साइन एक्स, नो गलत हो गया, स्टेप गलत हो गया लगता है, स्टेप बढ़ा दिया हमने आगे, आइए देखिए अच्छे क्या करने का, फिर से देखोगे कुछ सिंप्लीफाई करता हूं मैं, और करना वही काम था, यहां लिखूंगा कॉस एक्स था तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू, ऊपर हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, एक साइन को बाहर निकाल लो साइन एक्स बाय टू, एक कॉस एक्स बाय टू क्यों भाई डी एक्स, ये जो कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाय टू यहाँ पे है, कॉस एक्स बाय टू से ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, और ये जो हमारे पास टू है, टू यहां लाएंगे तो बाहर आ गया वन बाय टू, वन बाय टू ऑफ, अब देखिए क्या बनेगा, ऊपर हो गया आपका साइन एक्स, सही है ना, ये हो गया साइन एक्स, इसका लिखोगे टू लगाओगे फिर से एक बार टू, फिर से टू, तो ये हो गया आपका वन माइनस कॉस एक्स, ये अपने पास आ गया वन माइनस कॉस एक्स, सही है ना, बिल्कुल सही है, दिस दिस होल अपॉन कोस स्क्वायर, यहां भी ठीक करोगे आप कोस स्क्वायर की बात करोगे, यहां भी ठीक करोगे तो यहां भी हो जाता है वन बाय टू ऑफ टू रहेगा, तो आप बस फिर से आ गया टू है ही, यहां से ले लो एक टू, एक टू ले आओ बच्चे यहां पे टू टू फोर, हाँ ठीक है एक टू ले आओगे तो ये अपने पास क्या हो गया वन प्लस कॉस एक्स, और यहां अपने पास आ गया कॉस क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस एक्स डी एक्स, और ये क्वेश्चन लगता है मैंने अभी तुरंत बनाया है, ये सेम क्वेश्चन हमने अभी तुरंत बनाया बच्चे, कुछ नहीं करने का था, पुटिंग कॉस एक्स को मान लो वाई, तो माइनस में साइन एक्स डी एक्स, ये हो गया डी वाई, ऐसा ही क्वेश्चन एक अभी बनाया था हमने, अब ये हो गया अपने पास वन बाय टू ऑफ साइन एक्स का, या बाहर माइनस निकाल लो वन माइनस कॉस एक्स, तो ये हो गया आपका वन माइनस वाई वन प्लस वाई, ठीक है ना, और साइन एक्स डी एक्स हो गया आपका डी वाई अपॉन, यहां क्या हो गया वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई। अब इसको सेट करें आप, इसको सेट करें आप क्या करेंगे, अब इसको लिखता हूं मैं माइनस वन बाय टू,
यहां से वाई स्क्वायर कॉमन निकालना चाहेंगे तो वाई स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो क्या हो गया, वाई स्क्वायर कॉमन निकाल दो वाई वन बाय वाई दिस वन सही है, आ जाओ वन माइनस वाई अपॉन वन प्लस वाई डी वाई अपॉन वाई इंटू रूट अंडर, यहां से सीधे करेंगे आप वाई प्लस वन बाय वाई प्लस वन सही है ना। अब इसका देखो डीसी अरेंज करो, अब इसके बाद इसका डीसी अरेंज करना है अपन क्या करें, अब अपने पास डीसी अरेंज करना है तो वाई प्लस वन में पहले प्रीवियस पैटर्न में बन गया ये, तो देखो क्या बना आपका इस क्वेश्चन में। अब अपन लिखते हैं क्या, अब यहां से थोड़ा और सही करते हैं बच्चे, वाई अपने पास आ रहा है वाई क्यूब वाई स्क्वायर नो ये क्या एक वाई निकला वाई, अभी एक वाई बाहर निकाली बच्चे तो रूट वाई बाहर आ गया सही है ना, तो ये अपने पास हो गया वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन। अब आपका क्या करेंगे फिर से वाई बराबर ले लो टी स्क्वायर तो डी वाई हो गया आपका टू टी डी टी, चेक करो बच्चे क्या है अपने पास। अब यहां से देखिए आपका फॉर्मेट में आ गया कि नहीं, तो वन बाय टू ऑफ ये बन गया वन माइनस टी स्क्वायर, तो यहाँ हो गया आपका टी स्क्वायर माइनस वन बाय टी स्क्वायर प्लस वन डी वाई, डी वाई हो गया कितना, डी वाई अपने पास हो गया टू टी टू टी डी टी, ये अपने पास आ गया टी, और ये अपने पास क्या हो गया भाई इसकी बात करोगे यहां से ठीक सही करोगे आप, ये हो गया आपका टी फोर प्लस टी स्क्वायर प्लस वन, एक टी यहां से गया बच्चे टू टू यहां से गया। अब देखिए सेम पैटर्न पे आ गया आप, प्रीवियस पैटर्न पे जो क्वेश्चन होता था उस पैटर्न पे आ गया। अब यहां से अपन ठीक करेंगे क्या, इसको ठीक करेंगे तो ये अपने पास लिखेंगे वन माइनस वन बाई टी स्क्वायर डी टी, ये हो गया टी प्लस वन बाय टी टी स्क्वायर वन बाय टी स्क्वायर प्लस वन। अब देखिए क्या बना इससे, अब इसका वैल्यू अपने पास क्या हो गया अच्छे, ये हो गया आपका टी प्लस वन बाय टी टी प्लस वन बाय टी होल स्क्वायर माइनस में वन, ऊपर हो गया डी ऑफ टी प्लस वन बाय टी सही है ना, तो डी टी अपॉन ये हो गया सेक इनवर्स एक्स, ये बन जाएगा आपका सेक इनवर्स टी प्लस वन बाय टी प्लस कॉन्स्टेंट के, जहां टी का वैल्यू रखा आपने रूट वाई, जहां टी का वैल्यू दे दिया आपने रूट वाई, तो सेक इनवर्स रूट वाई प्लस वन बाय रूट वाई प्लस कॉन्स्टेंट के, और वाई का वैल्यू क्या हो गया बच्चे, वाई का वैल्यू हो गया कॉस एक्स, वाई का वैल्यू हो गया अपने पास कॉस एक्स, तो सेक इनवर्स ये हो गया आपका रूट कॉस एक्स प्लस रूट सेक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट की, सही है सबका, सही है ना, मजा आया आप लोगों को, मजा आया बच्चे, थैंक यू माय डियर। तो लगता है आज के इतना ही काफी है, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, वन मोर क्लास टुडे, दो घंटे बाद फिर मिलते हैं एक और क्लास लेकर के, ओके बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।